हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा। यूनिट स्टार्ट करने से पहले जस्ट हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ा है। तो स्टार्टिंग हमने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की इंट्रोडक्शन से की थी, फिर हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स नेसेसरी क्यों है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने फैक्टर्स जो पढ़े थे जो केमिकल काइनेटिक्स को अफेक्ट करते थे या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते थे, उसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा था टेम्परेचर होता था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती थी, जो मेजर पैरामीटर्स थे। उसके अलावा भी और फैक्टर्स थे, जैसे प्रेशर है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट था, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, और सारे फैक्टर्स थे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हम लोग को कंसर्न है इस सिलेबस में, इस कोर्स के अंदर, वो था कि टेम्परेचर जो था रिएक्टेंट का, रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को या रिएक्शन होने की स्पीड को। उसके बाद देखा था हमने कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, सिंगल रिएक्शन क्या होती हैं, मल्टीपल रिएक्शन क्या होती हैं, यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं, एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या थी। उसके बाद फिर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म पढ़ा था हमने, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट इक्वेशन पढ़ी थी। उसके बाद थ्योरीज जो थी इम्पॉर्टेंट जो हैं, वो जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बताने के लिए कि टेम्परेचर किस तरह इम्पैक्ट करता है, किस तरह अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली अरहेनियस थ्योरी पढ़ी थी, कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ी थी, थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक था एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग का, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये किस तरह रिएक्शन में वेरी करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ दिया है। अब हम लोग जो है उसको आगे करेंगे इस नए यूनिट्स के नाम से कि इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन बेसिकली पर्पस हमारा क्या है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, पर्पस हमारा क्या है कि डिज़ाइन करना है एक रिएक्टर को। तो हमारा पर्पस है डिज़ाइन ऑफ ए रिएक्टर। अब डिज़ाइन ऑफ रिएक्टर में क्या हो सकता है कि हम लोग डिज़ाइन ऑफ रिएक्टर में हम लोग रिएक्टर का बेसिकली क्या निकालना चाहते हैं, साइज निकालना चाहते हैं। साइज़ का मतलब है कि उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, अगर हम लोगों को वहाँ पे कन्वर्जन बता दिया जाए कि आपको ये रिएक्शन में 90% कन्वर्जन चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे उसका साइज़ में वॉल्यूम मेजर, वॉल्यूम निकालते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा, उसी हिसाब से फिर रिएक्टर को डिज़ाइन करते हैं। दूसरा है ये कि कभी कभी प्रॉब्लम से हम लोग को दी जाती है कि वॉल्यूम गिवन होता है हम लोग को, तो फिर हम लोग को वहाँ पे कन्वर्जन बताना होता है। कन्वर्जन अभी आगे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ब्रीफ में है कि हम लोग का पर्पस है रिएक्टर डिज़ाइन करना। रिएक्टर डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को, रिएक्टर डिज़ाइन करने का मतलब है कि हम लोग को फॉर्म बनाना है, आपका साइज़ बताना है रिएक्टर का। और रिएक्टर का साइज़ बताने के लिए ये है कि हम लोग वॉल्यूम उसका बताएँ या कन्वर्जन बताएँ। अब ये रिएक्टर की डिज़ाइनिंग होगी कैसे, रिएक्टर को डिज़ाइन करने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, नेसेसिटी, एब्सोल्यूट नेसेसिटी क्या है? तो हम लोग को काइनेटिक्स चाहिए थे। काइनेटिक्स की हेल्प से हम लोग रेट इक्वेशन निकालते थे, तो हम लोग को काइनेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी रिएक्टर को डिज़ाइन करने के लिए। काइनेटिक्स की हेल्प से हमने देखा कि रेट इक्वेशन हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी। तो हम लोग को बेसिक पर्पस क्या है, हम लोग को रेट इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी डिज़ाइन के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, रेट इक्वेशन या रेट लॉ डेवलप करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आर में, एक रिएक्शन हो रही है, अब इसका हम लोग को रेट लॉ या रेट डेवलप करना पड़ेगा। तो रेट डेवलप करने के लिए हम लोग ने पढ़ा था कि अगर ये एक कंपोनेंट है, रिएक्टेंट है, तो उसके लिए रेट हम लोग कैसे लिखते थे, माइनस आर ए इज इक्वल टू के टाइम्स सी ए। और यहाँ पे अब सी ए की पावर आती थी, तो सी ए की पावर हम लोग को जब तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं मालूम होता तब हम लोग एन लिख देते हैं। अब हमारा पर्पस जो इस पूरे
केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का है कि ये रेट लॉ है। रेट लॉ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन ज़रूरी है डिज़ाइन करने के लिए रिएक्टर। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं रिएक्टर। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दो पैरामीटर्स यहाँ पे फिर आ गए, दो चीज़ें हम लोग को निकालनी पड़ेगी, दो चीज़ें हम लोग को मालूम करनी पड़ेंगी। एक चीज़ क्या मालूम करनी पड़ेगी हम लोग को, ये के है, रेट कांस्टेंट, और दूसरी चीज़ ये कंसंट्रेशन की जो पावर एन है, तो हम लोग को ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ फाइनली क्या क्या दो चीज़ें निकालनी है, एक है रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ क्या निकालना पड़ेगा हमको, ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एन। ये सिर्फ हमने जो रिएक्शन लिखी वो सिंगल रिएक्शन है, वो सिंगल रिएक्शन, उसमें सिंगल रिएक्शन है और सिर्फ एक रिएक्टेंट है, तो इसलिए जो है ये रेट एक्सप्रेशन हमारी इजी बन रही है। लेकिन यूजुअली जो रिएक्शंस होती हैं इन प्रैक्टिकल, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होती हैं। वहाँ मोर देन वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, ये सारे फैक्टर्स हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिक पर्पज़ हमारा है कि रेट कांस्टेंट निकालना और ये जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। ये तो तब था जब मान लीजिए कि सिर्फ अपना एक रिएक्टेंट था। अगर मान लीजिए कि रिएक्शन जो हो रही है वो उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, तो एक जनरल रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं, जैसे ए कैपिटल ए रिएक्टेंट है, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स टू आर कोई प्रोडक्ट दे रहा है। इसके लिए जब हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, रेट लॉ लिखना पड़ेगा, तो रेट लॉ कहिए, रेट ऑफ रिएक्शन कहिए, या रेट एक्सप्रेशन कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो रेट लॉ जो लिखते हैं हम एक एटर में ही लिख रहे हैं, तो माइनस आर ए, हमेशा जो रेट इक्वेशन लिखी जाती है वो हमारी कोशिश यही होती है, हमारा एम यही होता है कि हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट के टर्म में लिखें जो भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो माइनस आर ए इक्वल टू क्या होगा, के यहाँ पे ए है, एक रिएक्टेंट ए है, तो हम सी ए लिख दिए, उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, उसके करिस्पॉन्डिंग कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, हमें मालूम नहीं है, तो एन ए बोल दीजिए या अल्फ़ा बोल दीजिए, कुछ भी बोल देते हैं। उसके बाद दूसरा रिएक्टेंट है सी बी, और उस फिर उसकी कंसंट्रेशन है एन, उसकी ऑर्डर है या उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है एन बी। तो इस केस में भी हम लोग को जो है रेट कॉन्स्टेंट निकालना पड़ेगा, तो रेट कॉन्स्टेंट इसमें निकालना पड़ेगा। रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है उसमें कि किस तरह रेट टेम्परेचर जो है अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग कंसंट्रेशन सेम रख के डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं, फिर देखते हैं कि के की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, तो वहाँ से हम लोग रेट कांस्टेंट निकालते हैं। और उसमें क्या है कि हमें एन ए और एन बी निकालना पड़ेगा, तो दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं एन ए प्लस एन बी, तो ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एन ए जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए है, और एन बी जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी है। लेकिन हमें ओवरऑल ऑर्डर निकालना होता है। तो हम लोग को वो बेसिकली क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है डिज़ाइन करने के लिए, और हम लोग को दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ये दो चीज़ें हम लोग को निकालना है। अब इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डेटा चाहिए। इंटरप्रिटेशन चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा, कि हम लोग बैच रिएक्टर का जो डेटा आएगा उसको इंटरप्रिटेट करेंगे। लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग को डेटा चाहिए। अब डेटा चाहिए तो डेटा हम लोग को कहाँ से मिलेगा, डेटा के लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम लोग को कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कुछ एम्पिरिकल रिलेशन डेवलप करेंगे। ये एम्पिरिकल रिलेशन है मान लीजिए, तो इसको डेवलप करने के लिए हम लोग को डेटा चाहिए। और डेटा के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो रिएक्टर्स में, बेसिकली एक ऐसे इक्विपमेंट्स हैं उनको हम लोग रिएक्टर्स बोलते हैं, रिएक्टर में परफॉर्म करते हैं। तो रिएक्शंस जो डेटा ऑप्टेंड हम लोग करेंगे, आपका काइनेटिक डेटा, वो रिएक्टर्स से ऑप्टेंड करेंगे।
ये रिएक्टर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं क्योंकि हम लोग के कंडीशंस रिएक्टेंट की अलग अलग हैं। कभी हम लोग का होमोजीनियस रिएक्टेंट है, कभी हेट्रोजीनियस रिएक्शंस हो रही हैं। तो फेज जब सेम होता है आपके रिएक्टेंट का, सभी लिक्विड फेज में है या सभी गैसियस फेज में है, तो उस वक्त क्या होता है, होमोजीनियस रिएक्शंस होती हैं। लेकिन कभी जो है कि रिएक्टेंट जो है ना सारे एक ही फेज में नहीं होते हैं, तो उस वक्त जो रिएक्शंस होती है तो उसको हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहते हैं, जब रिएक्टेंट की फेज डिफरेंट होती है। तो उसके हिसाब से हम लोग को रिएक्टर्स चूज़ करना पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में दो टाइप के रिएक्टर्स यूजुअली जो है ना यूज़ करते हैं। तो एक होता है बैच रिएक्टर और दूसरा होता है फ्लो रिएक्टर। फ्लो रिएक्टर, बैच रिएक्टर और फ्लो रिएक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है और इनके बारे में डिटेल क्या है? तो डिटेल जो है बैच रिएक्टर की, हर एक रिएक्टर की, वो नेक्स्ट अपनी यूनिट है आइडियल रिएक्टर्स। तो उसमें हर एक रिएक्टर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि रिएक्टर्स की वो क्या कंडीशंस हैं, कब हम लोग कौन सा रिएक्टर लगाएंगे, कब यूज़ करेंगे, कब बैच रिएक्टर यूज़ किया जाएगा, कब कंटिन्यूस या फ्लो रिएक्टर यूज़ किया जाएगा, कंटिन्यूस में भी कब हम लोग जो है प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ करेंगे, कब कंटिन्यूस स्टेट टैंक CSTR यूज़ करेंगे, तो बात की कंडीशन है। लेकिन अभी जो बेसिक डिफरेंस हमें जानना है कि बैच रिएक्टर में क्या होता है। जैसे बैच क्या है, आप लोग का एक बैच है, आप लोगों ने किसी ईयर में एडमिशन लिया और फिक्स टाइम के लिए। तो बैच रिएक्टर में क्या होगा कि फिक्स टाइम के लिए रिएक्शंस होती हैं। तो एक रिएक्टर, एक मान लीजिए एक वेसल होगा, वेसल होगा, आपने उसमें इनपुट डाल दिया, रिएक्टेंट डाल दिए, जैसे आप लोग कंसिडर करिए कि आप लोग रिएक्टेंट हैं, आप लोगों को डाल दिया गया। आप एक बैच मान लीजिए 2020 या 2019 बैच में आपने एडमिशन लिया। अब फिक्स टाइम है आपका, 3 साल का ड्यूरेशन है। तो रिएक्शन का क्या है, फिक्स टाइम है रिएक्शन, जो भी फिक्स टाइम फिक्स ड्यूरेशन के लिए रिएक्शन होगी, मान लीजिए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, या कुछ ने भी लिए 15 मिनट्स के लिए रिएक्शन भी हो सकती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। तो फिक्स टाइम के लिए रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद जब जिस ड्यूरेशन में यहाँ रिएक्शन हो रही है उस वक्त तक हम लोग इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, ना कुछ प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें। मान लीजिए हम लोग को प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह मेज़र करना होता है तो हम लोग ये डिवाइसेस लगा देते हैं। तो जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि बैच रिएक्टर में एक्चुअली फ्लो नहीं होता है। एक बार आपने रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले आपने रिएक्टेंट को डाल दिया, उसके बाद जो भी कंडीशंस हैं वो मेंटेन कर दी, उसके बाद रिएक्शन आपने स्टार्ट कर दी, रिएक्शन स्टार्ट कर दी। तो जैसे आप लोग का भी ड्यूरेशन है कि 3 साल का कोर्स है, 3 साल कंप्लीट करके जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन रोक देंगे। तो ऐसे जैसे रिएक्शन का टाइम कंप्लीट हुआ तो रिएक्शन यहाँ पे रोक दी, उसके बाद फिर प्रोडक्ट विदड्रॉ कर लेते हैं। इन बिटवीन द रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होने से रिएक्शन एंड होने के बीच में भी हम लोग कभी कुछ ऐड नहीं करते हैं इसमें, तो इसको बैच रिएक्टर कहते हैं। तो बैच रिएक्टर जो है यूजुअली जब लिक्विड फेज रिएक्शंस हो रही होती हैं या होमोजीनियस रिएक्शंस हो रही होती हैं, लिक्विड फेज में बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, होमोजीनियस में गैस फेजेस भी आ जाती हैं, वहाँ पे फिर टेम्परेचर वगैरह का कंट्रोल का इशू आता है, टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो ज़्यादातर लिक्विड फेज रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम लोग बैच रिएक्टर में करते हैं। और जो फ्लो रिएक्टर्स होते हैं, फ्लो रिएक्टर क्या होते हैं बेसिकली, वो भी एक डिवाइस है। तो फ्लो रिएक्टर में मान लीजिए एक रिएक्टेंट है या 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट इसमें कंटिन्यूसली आता रहता है, दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मान लीजिए प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बोल दीजिए, पी बोल दीजिए, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता रहता है, कंटिन्यूस ये प्रोसेस है। मतलब रिएक्टेंट भी फ्लो हो रहा है, एक स्पीड उसकी होगी, मान लीजिए 10 लीटर पर सेकेंड या 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप रिएक्टेंट इसमें फ्लो कर रहे हैं, इसमें रिएक्शन हो रही है, आपने एजिटेटर लगा दिया है, इससे ये मिक्स करता रहता है सोल्यूशन को, आपने प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस लगा रखी है, टेम्परेचर के लिए आपने एक डिवाइस लगा रखी है कि टेम्परेचर मेजरमेंट करते रहते हैं उससे, और रिएक्शन होती रहती है, आप प्रोडक्ट फॉर्म होता रहता है, तो प्रोडक्ट को हम लोग जो है ना विदड्रॉ करते रहते हैं। तो फ्लो रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें जो है आपके रिएक्टेंट जो है कंटिन्यूसली ऐड किए जाते हैं और प्रोडक्ट जो है ना कंटिन्यूसली विड्रॉ किया जाता है। ये दोनों में फ़र्क है। बैच रिएक्टर में एक बार आपने रिएक्टेंट डाल दिया, जो भी रिएक्शन का ड्यूरेशन है, 4 आवर्स है, 5 आवर्स है, जो भी ड्यूरेशन है, 15 मिनट्स है, उस ड्यूरेशन के लिए रिएक्शन होगी,
रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन आप स्टॉप, मतलब रिएक्शन हो गई, आप सारा सिस्टम वो करके आप प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लोगे। जबकि फ्लो रिएक्टर में क्या होगा कि आपके रिएक्शंस होती रहती हैं और उसके बाद रिएक्शन आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट फ्लो होके इन होता रहता है, प्रोडक्ट आप आउट विड्रॉ करते रहते हो। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये बैच रिएक्टर होता है, दूसरा फ्लो रिएक्टर होता है। फ्लो रिएक्टर के दो कैटेगरीज हैं, एक प्लग फ्लो है, एक मिक्स फ्लो है, उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे ये, और जो फ्लो रिएक्टर्स है यूजुअली जो है ये हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है। तो हमने देखा कि हम लोग को रिएक्टर डिज़ाइन करने के लिए रेट एक्सप्रेशन चाहिए। रेट एक्सप्रेशन जब आई तो उसमें हमने देखा कि दो पैरामीटर्स हमको चाहिए। एक पैरामीटर है आपका रेट कांस्टेंट, वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। दूसरा पैरामीटर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। जब वो दोनों चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग के पास रेट इक्वेशन आ जाएगी, रेट लॉ आ जाएगा, उससे फिर हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। तो उसके बाद देखा हमें ये चीज़ें निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डेटा की रिक्वायरमेंट है। और डेटा कहाँ से जनरेट होगा, डेटा जनरेट करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए। तो हम रिएक्टर चाहिए हम लोग को बेसिकली डेटा जनरेट करने के लिए। तो हमने देखा कि रिएक्टर कौन कौन से होते हैं, बैच रिएक्टर है और आपका ये फ्लो रिएक्टर है। बैच रिएक्टर की भी क्लासिफिकेशन है। एक बैच, एक रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं उसके आगे बढ़ने से पहले। एक सेमी बैच होता है, सेमी बैच रिएक्टर। ये हमने देखा कि बैच रिएक्टर जो होता था उसमें हम लोग रिएक्टेंट एक बार डाल दिए, फिर प्रोडक्ट जब पूरी रिएक्शन होगी प्रोडक्ट निकालेंगे। सेमी में क्या होता है कि एक, मान लीजिए एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट है, ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, तो एक रिएक्टेंट को हम लोग पूरा एक बार में डाल देते हैं। एक बार हमने पूरा रिएक्टेंट डाल दिया, जो दूसरे रिएक्टेंट को हम लोग जो है पार्ट्स में डालते हैं, सारा रिएक्टेंट। क्योंकि कुछ रिएक्शन की कंडीशन मान लीजिए ऐसी हैं कि आपने दोनों मिक्सचर्स को अगर मिला दिया एक बार में, रिएक्शन बहुत विगरस स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर रिएक्शन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, तो रिएक्टर को डैमेज होने के चांसेस हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक रिएक्टेंट को तो डाल दिया हमने, दूसरे रिएक्टेंट को जो है ना हम लोग पार्ट्स में, मान लीजिए ए रिएक्टेंट को हमने पहले डाल दिया पूरा पूरा, बी रिएक्टेंट्स को पार्ट्स में हम लोग ऐड करेंगे जिससे थोड़ा थोड़ा रिएक्शन होगी। उसके बाद फिर हम लोग पूरा सिस्टम क्लोज कर देंगे, फिर रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट विदड्रॉ नहीं करते। सेमी बैच में भी हम लोग एक रिएक्टेंट को डाल देते हैं, दूसरे रिएक्टेंट को पार्ट्स में डालते हैं, लेकिन प्रोडक्ट विदड्रॉ नहीं करते। तो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो वो सेमी बैच रिएक्टर हो गया कि मतलब एक रिएक्टेंट को हमने डाल दिया, दूसरे रिएक्टेंट के पार्ट्स को पार्ट्स में 5 लीटर डाल दिया, फिर 10 लीटर या फ्रैक्शंस में, जैसे भी हम हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, ये देखते हुए कि हीट तो नहीं जनरेट हो रही है प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो नहीं है जिससे हम लोग को टेम्परेचर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सेमी बैच रिएक्टर यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हुआ कि रिएक्टर, ये डेटा हमारा जनरेट कहाँ करेंगे हम लोग, डेटा जनरेट करेंगे रिएक्टर्स में। अब डेटा जनरेट कैसे करते हैं या डेटा हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, तो डेटा मेज़र करने के क्या क्या मेज़र करना है उसके कई तरीके हैं। लेकिन उन तरीकों पर आने से पहले हम लोग, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ये डेटा का मेज़रमेंट जो है। जैसे मान लीजिए कि आप लिक्विड फेज रिएक्शन ही करा रहे हैं, लिक्विड फेज रिएक्शन मान लीजिए एक रिएक्शन है, इसको जस्ट अभी क्लोज रखते हैं। एक रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, ए मान लीजिए लिक्विड में है, ए लिक्विड से हम लोग को बी लिक्विड में कोई फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का और कंसनट्रेशन का, दो चीज़ों का फंक्शन है। तो अब जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कैसे जो है ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हम लोग को डेटा चाहिए ना, जैसे लिक्विड फेज़ में है तो हमें रिएक्टेंट का डेटा चाहिए। रिएक्टेंट मान लीजिए रिएक्टेंट कैसे कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का एक तरीका ये हो सकता है। जैसे कई मेथड्स में है कि एक तरीका हुआ कि हम लोग रिएक्शन कराएंगे, उसमें रिएक्टेंट जो आपका है, जो बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के, क्योंकि रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो सबके बारे में सबका मेज़र करें कंसंट्रेशन, तो फिर प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट
क्योंकि वही इम्पैक्ट वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन कब तक प्रोसीड होगी। तो हम लोग कंसंट्रेशन मेज़र करते हैं किसकी, जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन मेज़र करते हैं। जैसे हमने रिएक्शन स्टार्ट की, आपने रिएक्टेंट डाला, रिएक्शन स्टार्ट की, आपने कुछ टाइम के बाद मेज़र किया टाइम T1, मान लीजिए 10 मिनट के बाद आपने देखी कंसंट्रेशन क्या है। एग्जाम्पल विड्रॉ किया आपने उसको, फिर जहाँ पे भी GC गैस क्रोमेटोग्राफी में या तो UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जो डिवाइसेज हैं जो मेज़र करते हैं कंसंट्रेशन, उसमें ले गए, उसमें हमने देखा कि कंसंट्रेशन क्या है। फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि कंसंट्रेशन क्या है। तो इस तरह हम लोग उसकी क्या है कंसंट्रेशन, मतलब ये डेटा जनरेट करेंगे। तो डेटा जनरेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि रिएक्टेंट कैसे चूज़ करेंगे, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मतलब हम लोग को आसान लगता है देखने में कि हमने स्टार्ट किया रिएक्शन टाइम T1 में डेटा ले लिया, तो सबसे पहले रिएक्टेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास चैलेंज होगा कि उनको सोल्यूशन बनाना है रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट को आपने सोल्यूशन बनाया, अब सोल्यूशन बनाने के लिए आपके पास ये चैलेंज है कि किस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना रहे हैं, कौन सी कंसंट्रेशन इसके लिए मतलब बेहतर है, उस पर हम लोग को जो डेटा मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग को रिएक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिएक्टर सेलेक्ट करना भी मुश्किल है कि कौन सा रिएक्टर हम लोग सेलेक्ट करें। ये हम लोग बैच रिएक्टर करेंगे, सेमी बैच रिएक्टर करेंगे, फ्लो रिएक्टर करेंगे। फ्लो रिएक्टर में भी दो टाइप के हैं कि प्लग फ्लो रिएक्टर करेंगे, मिक्स फ्लो रिएक्टर करेंगे। उसके बाद मान लीजिए एक आपने रिएक्टर चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर टेम्परेचर कैसे रखना है, प्रेशर कैसे रखना है, कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर पर रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। अब ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद फिर हम लोग जो है ना रिएक्शंस को अलाउ करते हैं। जब हमने रिएक्टेंट डिसाइड कर लिया, उनकी कंसंट्रेशन डिसाइड कर ली, बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, मान लीजिए रिएक्टेंट हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से रिएक्टेंट ले रहे हैं। रिएक्टेंट तो मान लीजिए रिएक्शन कराना पता है, फिर उनकी कंसंट्रेशन कैसे रखनी है, किस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है, फिर सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन एक बार बना लिया तो हम लोग को चाहिए आपको रिएक्टर चाहिए, किस टाइप के रिएक्टर में रिएक्शन करानी है। रिएक्टर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग को चाहिए टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन होनी है, तो टेम्परेचर डिसाइड करना पड़ेगा। आपने टेम्परेचर डिसाइड कर लिया, फिर प्रेशर, किस प्रेशर पे रिएक्शन करानी है, प्रेशर डिसाइड कर लिया। इसके बाद हम लोग रिएक्शंस अलाउ करते हैं। रिएक्शन अलाउ करते हैं तो फिर हम लोग डेटा जनरेट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो का पर्पस जो होता है वो डेटा जनरेट करना होता है। तो डेटा मान लीजिए जनरेट करना है किस के लिए, पहले वाले मेथड्स के लिए कि हम लोग किस तरह का डेटा जनरेट करना चाह रहे हैं। हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा जनरेट करना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और टाइम देखेंगे, कुछ टाइम पे हम लोग सैंपल विड्रॉ करेंगे। लेकिन ये भी एक चैलेंज है कि आप वो टाइमिंग कैसे सेलेक्ट करोगे कि आप 1 सेकेंड के बाद ये सैंपल विड्रॉ करोगे या 5 मिनट के बाद करोगे या 10 मिनट के बाद विड्रॉ करोगे। ये एक अपने आप में एक चैलेंज होता है सैंपल विड्रॉइंग टाइम। तो हम लोग इसमें दो पैरामीटर्स बेसिकली मेज़र कर रहे होते हैं। टाइम होता है अपना टाइम आप किस में मेज़र कर सकते हो, मिनट में मेज़र कर सकते हो, सेकंड में मेज़र कर सकते हो, किसी भी आवर्स में मेज़र कर सकते हो। डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी हो रही है। अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो डेटा हम लोग को जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। पता चला कि हम 5 मिनट के बाद डेटा ले रहे हैं, तब तक 80% कन्वर्जन हो गया है, तो फिर हम लोग को मतलब प्रॉपर काइनेटिक्स नहीं मिलेगी, हम लोग को गलत कंक्लूजन पे निकल सकते हैं। फिर कंसंट्रेशन मेज़र कर रहे हैं, अगर लिक्विड है तो मोल पर लीटर में जैसे मेज़र कर रहे हैं या मोल पर मीटर क्यूब में मेज़र कर रहे हैं। तो आपने एक कोई टाइम था T1 5 सेकेंड 10 सेकेंड, उसके करिस्पॉन्डिंग आपने जब डेट देखा तो उसकी कंसंट्रेशन थी CA1। फिर आपने देखा टाइम T2 था तो उसके करिस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन थी आपकी CA2। फिर टाइम देखा आपने T3 टाइम पे सैंपल कलेक्ट किया, उस पर कंसंट्रेशन C3 आई। आपने इसी तरह T4 पे कलेक्ट किया, C4 आई। इसी तरह मतलब हम लोग करते जाएंगे, एटलीस्ट जो है ना सफिशियंट डेटा लेंगे जिससे हम लोग जो है ना अपना जो रेट डेवलप कर रहे हैं वो रेट डेवलप कर पाएँ और एक प्रॉपर कंक्लूजन पे निकल पाएँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 डेटा लेके हम लोगों ने रिएक्शन कर दी और फिर अपना कंक्लूजन दे दिया, तो वो कंक्लूजन अगर आप डेटा पॉइंट्स कम होंगे और प्रॉपर टाइम पे नहीं होंगे, जैसे हमें डेटा स्टार्टिंग में एकदम लेना चाहिए था, स्टार्टिंग में ज़्यादा डेटा लेना चाहिए था, हमने कम डेटा लिया, तो फिर जो है हमारा कंक्लूजन ठीक नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो है
डेटा पॉइंट्स लेना बहुत, मतलब डेटा कब लेना है आपको, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जो रिएक्शंस होती हैं यूजली हम लोग इनिशियली ज़्यादा सैंपल्स लेते हैं। तो ये एक तरीका हुआ, या पहला तरीका हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कंसंट्रेशन मेज़र कर रहे हैं गिवन कंपोनेंट की, आपके बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट की हम लोग कंसंट्रेशन मेज़र कर रहे हैं पहले वाले मेथड से डिफरेंट टाइम पे। दूसरा क्या मेथड हो सकता है कि हम लोग जो है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी फ्लूइड की, जैसे सब की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, तो हम लोग जैसे रिएक्शन में जनरेट हो रहा है कोई चीज़ तो उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बेसिकली इस मेथड का ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है अपने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि डेटा को जनरेट करने का, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जो कंपोनेंट्स हैं उनका आप मेज़र करते रहिए विद टाइम, तो वहाँ से भी हम लोग डेटा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन अपनी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में कम है। तीसरा टाइप का क्या है कि अगर गैसेस फेज रिएक्शन हो रही, मान लीजिए ये तो लिक्विड फेज रिएक्शन में थी तो आपने कंसंट्रेशन वगैरह मेज़र कर ली, अब जो है ना गैसेस फेज में रिएक्शन हो रही है, गैसेस फेज में रिएक्शन हो रही है तो दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि आपका प्रेशर वेरी कर रहा हो, तो आप वॉल्यूम जो है ना कॉन्स्टेंट रखिए, और प्रेशर जो है ना अगर वेरी कर रहा है तो प्रेशर का डेटा आप ले लीजिए। तो वो भी कैसे लेंगे हम, टाइम डिफरेंट टाइम पे हम प्रेशर का डेटा लेते रहेंगे। तो ये किस फेज के लिए, गैसियस फेज रिएक्शन के लिए ज़्यादातर ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम लोग प्रेशर का डेटा लेते रहेंगे और उससे जो है ना डेटा जनरेट हो जाएगा, हम लोग का डेटा जनरेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग जो मेथड्स होंगे बाद में वो पढ़ेंगे कि टेम्परेचर है अपना, और यहाँ टाइम, सॉरी टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर है। प्रेशर एक कंपोनेंट का अगर आप लोग निकाल रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर होगा, एक से ज़्यादा मतलब वो टोटल प्रेशर, तो हम लोग पार्शियल प्रेशर नहीं निकालते बेसिकली, क्योंकि मुश्किल होगा पार्शियल प्रेशर मेज़र करना। हम लोग क्या निकालेंगे, पीटी, टोटल प्रेशर मेज़र करते हैं सिस्टम का। तो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है तो प्रेशर जो है ना डिफरेंट टाइम पे, T1 पे देखा तो P1 था प्रेशर, T2 पे देखा तो P2 था, तीसरे टाइम पे देखा तो P3 हम लोग को मिला प्रेशर, फिर अनदर टाइम पे देखा तो डिफरेंट प्रेशर मिलेगा P4। इसी तरह हम लोग डिफरेंट टाइम पे जो है टोटल प्रेशर मेज़र करते हैं। ये ध्यान रखना कि टोटल प्रेशर मेज़र करते हैं हम लोग, जो हम लोग के पास डिवाइस होगी कभी हम लोग पार्शियल प्रेशर नहीं मेज़र कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइस हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं भाई, रिएक्टर अपना है, रिएक्टर में हमने फिट कर दिया आपका जो डिवाइस है, जब रिएक्टर में हमने डिवाइस फिट कर दिया तो वो जो प्रेशर पूरे सिस्टम का है वही वो मेज़र करता है, वो कोई इंडिविजुअल प्रेशर जो है वो नहीं मेज़र करता इंडिविजुअल कंपोनेंट का। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर, भाई कंपोनेंट लिक्विड फेज में है तो लिक्विड की वेपर्स जो फॉर्म होंगी उनकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वो प्रेशर जो है अलग अलग कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा, लेकिन जो ये इक्विपमेंट हमारा मेज़र कर रहा होगा, जो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया होगा, वो सिस्टम का टोटल सिस्टम का प्रेशर मेज़र कर रहा होगा, तो वो सिस्टम का प्रेशर मेज़र करता है। तीसरी कंडीशंस, चौथी मेथड क्या हो सकता है, फोर्थ मेथड क्या हो सकता है, वॉल्यूम वेरी कर रहा हो रिएक्शन मिक्सचर का, जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें जो है वॉल्यूम, जो गैसियस फेज में रिएक्शन है उसका वॉल्यूम वेरी कर रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम वेरी कर रहे हो लेकिन कंडीशन ये है कि वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रही हो, तो प्रेशर हम लोग उसका कॉन्स्टेंट रख देंगे और वॉल्यूम जो है रिएक्शन मिक्सचर का हम लोग मेज़र करेंगे, वॉल्यूम रिएक्टर का नहीं मेज़र करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्टर का क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है ना। तो रिएक्शन मिक्सचर्स का हम लोग जब कभी भी वॉल्यूम की बात आएगी पूरे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, तो मोर देन 95% केसेस में हम लोग जो है रिएक्शन मिक्सचर के वॉल्यूम की बात करेंगे, रिएक्टर की बात, वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। रिएक्टर तो वॉल्यूम हम लोग को जो है ना डिज़ाइन करना पड़ता है, रिएक्टर वॉल्यूम बताना पड़ता है। तो चौथी कंडीशंस क्या है हम लोग की, कि हम लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, टाइम है हम लोग वॉल्यूम मेज़र कर लेंगे, किसका, रिएक्शन मिक्सचर का। इम्पॉर्टेंट है कि रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम हम लोग मेज़र करते हैं। तो एक टाइम T1 होगा तो हम वॉल्यूम V1 मान लीजिए होगा, दूसरे टाइम इंटरवल पे आपने देखा
टी टू पे करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वी टू था, फिर टी थ्री आपने देखा तो वॉल्यूम वी थ्री आया, फिर टी फोर टाइम इंटरवल पे वॉल्यूम वी फोर था, इसी तरह डिफरेंट टाइम इंटरवल पे आपको डिफरेंट वॉल्यूम मिलेंगे। अब जब इस तरह हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। यही जनरेट करना था हम लोग को, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए या रेट ऑफ रेट लॉ निकालने के लिए, उसमें जो पैरामीटर्स थे उनको निकालने के लिए ये जो तीनों मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ से जो डेटा जनरेट हुआ वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी है वो रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो हम लोग को रेट कांस्टेंट निकालने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ टेम्परेचर पे हम लोग को रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो वहाँ से हम लोग को रेट जो है रेट कांस्टेंट मालूम पड़ेगा, किसी भी जो तीन लॉ हों उसमें से जिसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, रेनियस से या कोलिजन थ्योरी से या आपका ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से। तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो हम लोग का ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी और हैनियस लॉ से ही सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसको वो आसान पार्ट हो जाता है हम लोग के लिए कि हैनियस लॉ लगा दिए हमने, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी निकाल के रेट कॉन्स्टेंट निकाल दिया। लेकिन जो मुश्किल पार्ट है वो कंसनट्रेशन की डिपेंडेंसी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना मुश्किल है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमने देखा कि ये चीज़ें हम लोग को करनी पड़ेंगी। हम लोग को डेटा जनरेट करना पड़ेगा, डेटा जनरेट करने के डिफरेंट तरीके हमने देख लिए कि हम लोग अगर लिक्विड फेज रिएक्शन हो रही है तो हम लोग कंसनट्रेशन मेज़र कर लेंगे डिफरेंट टाइम पे, गैसियस फेज रिएक्शन है तो दो चीज़ें हैं उसमें, या तो प्रेशर अगर वेरी कर रहा हो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तो हम टोटल प्रेशर मेज़र कर लेंगे डिफरेंट टाइम पे, अगर ये नहीं तो फिर अगर वॉल्यूम मेज़र वेरी कर रहा है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो हम लोग डिफरेंट टाइम पे वॉल्यूम मेज़र कर लेंगे। अब हम लोग के पास क्या हुआ कि डेटा आ गया। अब डेटा आ गया तो अब हम लोग अब इसका एनालिसिस करेंगे, अब इसको इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन करने का पर्पस क्या है कि हम लोग इसको इससे मतलब रेट लॉ अपना रेट लॉ निकालेंगे, रेट लॉ में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो हम लोग को रेट बेसिकली रेट निकालना है या ऑर्डर ऑफ रेट निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट निकाल के। तो क्या तरीके हो सकते हैं या कौन सा, अब हमारे पास अब ये फिर एक चैलेंज आ गया कि हम लोग के पास डेटा तो आ गया, अब कौन सा मेथड यूज़ करें इंटरप्रिटेशन के लिए उसके। तो जस्ट ये ब्रीफ है, ये कुछ मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उनका जस्ट नाम अभी हम लोग देख लेते हैं। इनके बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है वो नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ेंगे। एक मेथड होता है इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रल मेथड में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली एक रेट लॉ का फॉर्म मान लेते हैं, जैसे हमने रेट लॉ लिखा था ना पीछे कि आर इज इक्वल टू, जैसे जस्ट हमने रेट लॉ लिखा था आर इज इक्वल टू के सी ए टू द पावर एन। तो जब हम लोग डिफरेंशियल मेथड की बात करेंगे इंटीग्रल मेथड की तो हम लोग मान लेंगे कि ये कौन से एन जो है एन को हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और रिएक्शंस जो है ना आइसोथर्मल कंडीशंस पे कराई जाती हैं। क्योंकि अगर जैसे हमने टेम्परेचर को वेरी करा दिया तो फिर रेट कांस्टेंट भी कौन की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो इसलिए जो रिएक्शंस हम लोग कराएंगे वो आइसोथर्मल कंडीशंस पे कराएंगे। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर रिएक्शन के ड्यूरेशन में सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो इंटीग्रल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रल मेथड में हम लोग एक मान लेते हैं कि नहीं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग मान लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट अपना बन गया। उसके बाद फिर हम लोग जो डेटा वो है जो अपना डेटा ऑब्टेन करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर जो माने थे उससे जो ग्राफ आ रहा है वो फिट हो रहा है कि नहीं डेटा पे हमारे। अगर फिट हो रहा है तो हमारा अजम्पशन ठीक होगा कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो फिर हम उसके हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे। फिर दूसरा जो मेथड आता है वो डिफरेंशियल मेथड होता है। तो हम लोग के जो कोर्स में है वो ज़्यादातर जो स्टडी करेंगे हम इंटीग्रल और डिफरेंशियल मेथड की करेंगे। इसके अलावा और भी मेथड है जैसे इनिशियल रेट मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, हाफ लाइफ मेथड भी पढ़ेंगे अच्छे डिटेल में। उसमें टी हाफ वगैरह क्या आता है कि हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, उससे किस तरह हम लोग मेज़र करेंगे। फिर इनिशियल रेट मेथड है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड है। तो ये जस्ट मेथड के नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, इनके बारे में डिटेल्ड में जो स्टडी होगी हर एक मेथड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इंटीग्रल मेथड को लेके आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, या कोई चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई होगी जैसे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके फिर जो है ना इंटीग्रल मेथड स्टार्ट करेंगे।